डिजाइनर ब्लाउज कटिंग करना बताया है। वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो जरूर से देखिएगा। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। देखिए, मैंने फ्रंट से इसको डेप नेक बनाया है और बैक से इसमें बोर्ड नेक बनाया है। इसके साथ ही मैंने आपको स्लीव्स में भी डिज़ाइन बनाना बताया है। स्लीव्स की मैंने एक सेपरेट ही वीडियो बनाई है जहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से ये ब्यूटीफुल सी स्लीव्स डिज़ाइन मैंने आपको बनाना बताई है। एंड गाइज, आज की वीडियो में हम यहाँ पर इस ब्लाउज़ की कंप्लीट स्टिचिंग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही ईजी तरीके से मैं जो इसका बैक नेक डिज़ाइन है वो आपको बनाना बताऊँगी। तो चलिए गाइज, बिना किसी तरीके आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इसका जो फ्रंट पार्ट है इसको हम यहाँ पर रेडी करेंगे। बैक से देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरीके की डिज़ाइन यहाँ पर कट की हुई है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ किस तरीके का डिज़ाइन मैंने कट किया है। ये देखिए, इस तरीके का एकदम से लेटेस्ट डिज़ाइन मैंने आपको कट करना बताया है। अभी जो वेडिंग एंड फेस्टिव सीजन चल रहा है उसके लिए आप ऐसी डिज़ाइन है वो अपने लिए बना सकते हैं। एकदम से बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो बैक पार्ट को अभी हम साइड में करेंगे और सबसे पहले इसका जो फ्रंट पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो स्लीव्स डिज़ाइन है कुछ इस तरीके की डिज़ाइन मैंने यहाँ पर बनाई है। एकदम से लेटेस्ट डिज़ाइन यहाँ पर भी मैंने बनाई है और ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो इस टाइप की जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स, आप अपने लिए ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है, जो इसका फ्रंट पार्ट है, जो इसमें यहाँ पर ये प्रिंसेस कट का शेप मैंने यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हम डोरी वाली पाइपिंग है वो यहाँ पर हम अटैच करेंगे। इससे क्या होगा, जो ब्लाउज़ का लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा और जो इसका पफ अच्छा बनेगा। तो डोरी वाली पाइपिंग यहाँ पर देखिए बनाकर मेरी रेडी की हुई है। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो मैंने पिछले ही वीडियो में आपको ये बनाना सिखाया था। वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप बनाना भी सीख सकते हैं। तो इस पाइपिंग को देखिए, इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर हमें अटैच करना है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो इसका ये बीच वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर रखते हुए इस पाइपिंग को यहाँ पर अटैच करना है। और यहाँ पर हल्के हाथ से खींचते हुए आप इसको अटैच कर लें। इसी तरीके से हम दूसरी वाली साइड भी देखिए इस पाइपिंग को यहाँ पर अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की बटन ज़रूर से दबा लीजिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अभी क्या करना है, इस पार्ट को ऐसे ऊपर की ओर रखेंगे और यहाँ पर देखिए, जो हमें नीचे की तरफ जो सिलाई दिखाई दे रही है, इसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमने ये पाइपिंग यहाँ पर अटैच की है वो एकदम से गुम तरीके से यहाँ पर अटैच होगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये अटैच होगी। देखिए गाइस, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिन्हें आप अगर फॉलो करते हैं तो अपने ब्लाउज़ को आप एकदम से नीट एंड क्लीन, एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये पाइपिंग एकदम से परफेक्ट तरीके से यहाँ पर अटैच हुई है, आप देख सकते हैं। और कितना अच्छा पफ इसका यहाँ पर बना है प्रिंसेस कट का, ये भी आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें डबल स्टिच लगानी है। तो मैंने डबल स्टिच लगा ली है और दूसरी साइड का जो पार्ट है इसको भी अटैच कर लिया है। ये देखिए कितना प्यारा पफ यहाँ पर बना है। इसकी जो फिटिंग है ब्लाउज़ की बहुत ही परफेक्ट आएगी। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर जो वेस्ट पट्टी है, कमर पट्टी, वो भी लगा दी है, जो कि शायद दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है, अभी हम इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो इसके लिए देखिए, जो इसका ऊपर का पार्ट है ये पार्ट हमें लेना है। तो फ्रंट पार्ट को लेंगे और सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका शोल्डर है उसको जॉइंट करना है। देखिए, क्योंकि इसमें हम डोरी वाली पाइपिंग लगाएंगे तो जो इसका बैक एंड फ्रंट है इसमें हम एक साथ ही पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने कटिंग वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वाली वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। मैंने एकदम आसान तरीके से इस ब्लाउज़ की कंप्लीट कटिंग करना आपको बताया है। तो शोल्डर मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिए हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये था। तो जो ऊपर का पार्ट है वो यहाँ से रखते हुए मैंने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अभी देखिए, यहाँ से इसमें हम पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे और दूसरे कोने तक पूरे नेक में ये पाइपिंग लगाएंगे। तो चलिए अभी आपको मैं इसमें पाइपिंग लगाना भी बताती हूँ। इसको देखिए ऐसे रखेंगे और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने डोरी वाली पाइपिंग है वो बनाई हुई है। इस पाइपिंग को यहाँ पर देखिए हम अटैच करेंगे। तो ऐसी जो पाइपिंग होती है वो आप किसी भी डिज़ाइन में देखिए अटैच कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके का जो डिज़ाइन है, इसमें मैं आपको अभी अटैच करना बताऊंगी। और ये अटैच होने के बाद आप खुद ही देखना इसका जो फिनिशिंग आएगी, इसमें जो अच्छा लुक आएगा वो आप मुझे खुद ही बताना कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ से देखिए, इसमें हम ये पाइपिंग अटैच करना शुरू करेंगे।
इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसमें देखिए इस तरीके से ये अटैच लगानी है, इसलिए यहाँ पर ये स्टिच इसमें लगानी है देखिए। और जहाँ पर देखिए कॉर्नर बन रहे हैं वहाँ पर इस तरीके से सुई को अंदर की ओर करते हुए ऐसे मशीन को रोकना है और फिर ऐसे मोड़ते हुए इसमें ऐसे सिलाई लगानी है। अगर आपको ये पाइपिंग ऐसे लगाने में दिक्कत आ रही है, आप छोटा सा इसमें एक कट लगा लें ताकि इसको ऐसे यहाँ से टर्न करने में आसानी हो जाए। इसलिए ये देखिए, तो इस तरीके से हमें इस पाइपिंग को देखिए पूरे ही नेक में अटैच करना है। मैं कैसे अटैच कर रही हूँ आप यहाँ पर देखिए, गौर से देखिएगा। मैंने आपको काफ़ी बार ये पाइपिंग अटैच करना बताया है, आई होप आपको अभी ये पाइपिंग अटैच करना आ गया हो। अगर आपको ये अटैच करना आ गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा। और जो ये पाइपिंग लगाने का जो मेथड है ना, एकदम से ईजी है। और इसका ये भी फ़ायदा है कि आप किसी भी डिज़ाइन में इस वाली पाइपिंग को आसानी से अटैच कर सकते हो। ये देखिए जहाँ पर कॉर्नर बन रहे हैं तो यहाँ पर हल्का सा क्या होता है कि इसमें खिंचाव आता है, तो आप इसमें ऐसे छोटा सा एक कट लगा लें, इसके बाद इसमें ये खिंचाव भी नहीं आएगा और एकदम फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो अभी देखिए मैंने यहाँ तक इसमें अटैच कर दी है। अभी क्या करना है, जहाँ पर कॉर्नर्स बन रहे हैं वहाँ पर हमें छोटा सा कट, हाफ इंच जितना कट यहाँ पर लगाना है, बस यही करना है, वो बाकी कुछ भी नहीं करना आपको। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं कट लगा रही हूँ ऐसे ही आपको कट लगाना है। इसके बाद देखिए इस पाइपिंग को ऐसे हम नीचे की ओर ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर से एक सिलाई यहाँ पर हम लगाएंगे पूरे ही नेक में। इसे क्या होगा, जो हमारी पाइपिंग है वो एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये अटैच हो जाएगी। तो जहाँ पर देखिए कॉर्नर्स बन रहे हैं वहाँ पर हमने इसमें कट डाले हैं, तो इसको फोल्ड करने में कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, एकदम आसानी से ये फोल्ड हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद देखिए जो इसका ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें कट करना है, लेकिन इसके साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो ब्लाउज का कपड़ा है वो नहीं कटना चाहिए बस। तो इस तरीके से पूरे ही नेक से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। अभी देखिए इसको मैं ऐसे नीचे की ओर टर्न करेंगे और इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। इससे पहले क्या करना है, जहाँ पर कॉर्नर बने हुए लगाएंगे, आप चाहो तो इसमें यहाँ पर देखिए कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो, जिन्हें आप हेमिंग करने के बाद, तुरपाई करने के बाद वापस से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा यहाँ पर देखिए इसमें पक्की सिलाई ही लगाती हूँ क्योंकि मैं इसमें यहाँ पर हेमिंग नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए आसानी से ये पाइपिंग यहाँ पर अटैच हो जाएगी। और अटैच होने के बाद आप इसका लुक देखना, तो पूरे नेक में मैंने यहाँ पर ये स्टिच लगा दी है। और ये देखिए गाइस एकदम से बराबर से हमारे कॉर्नर आए हैं और आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये अटैच भी हो गई है एकदम इजी तरीके से। अभी क्या करना है, यहाँ पर इसमें हमें सबसे पहले तो देखिए हुकाई पट्टी बनानी है। यहाँ पर हुकाई पट्टी तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी साइड बना सकते हैं। मैं इसमें देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमेशा इसमें जो आई की पट्टी है वो बनाती हूँ। आप अपनी चॉइस से किसी भी साइड बना लीजिए, इसका कोई भी रूल नहीं है। तो आई की पट्टी मैंने यहाँ पर बना दी है। अभी देखिए यहाँ पर हम हुक्स पट्टी बनाएंगे। हुक्स पट्टी बनाने के बाद ही जो ये यहाँ पर राउंड नेक हमने बनाया है इसको हम यहाँ से रेडी करेंगे। तो हुकाई पट्टी हमारी यहाँ पर देखिए बन चुकी है, आप देख सकते हैं। इसको आप एक बार बराबर करके देख लें, अगर फैब्रिक कहीं से भी छोटा बड़ा है तो आप इसको कट करके बराबर कर लें। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, जो हमने ये पाइपिंग ली है इसको हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो यहाँ पर आपको हाफ इंच जो ये पाइपिंग है उसको एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर फोल्ड करने के लिए। तो जैसे देखिए हमने ऊपर की तरफ वो गले में पाइपिंग अटैच की थी, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें इसको अटैच करना है। देखिए अभी इसको हम ऐसे नीचे की ओर टर्न करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करेंगे और देखिए इसको नीचे की ओर टर्न करते हुए इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगा देंगे फिनिशिंग के लिए।
तो ये देखिए यहाँ पर ये नेक भी रेडी हो गया है। अभी सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी इस पाइपिंग को हम अटैच करेंगे। तो ये देखिए गाइस नेक हमारा यहाँ से रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसमें हमें बैक में जो हम टक्स लगाते हैं वो टक्स हमें यहाँ पर लगानी है। तो बी सेंटर से पकड़ते हुए टक्स की लेंथ मैंने यहाँ पर 3 इंच रखी है और इस तरीके से टक्स देखिए मैंने लगा दी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको हमें अटैच कैसे करना है वो देखिए। तो यहाँ से हमें इसको अटैच करना शुरू करना है इस कॉर्नर से देखिए, और यहाँ पर हमें इस तरीके से ऊपर की ओर रखते हुए इसको अटैच कर देना है। ये देखिए पहले आप क्या करें, यहाँ पर अगर आपको दिक्कत आ रही है अटैच करने में तो इस कपड़े को यहाँ पर ऐसे रखते हुए आप पहले पिनअप कर लें और इसके बाद यहाँ पर इसमें सिलाई लगा लें इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच जितना हमारा जो कपड़ा है वो इसमें जाएगा। तो ब्लाउज़ कटिंग करते हुए देखिए हमने जब हमने ब्लाउज़ की कटिंग की थी उस टाइम पे हमने 1/2 इंच कपड़ा ऑलरेडी लेंथ में एक्स्ट्रा लिया था, तो वो हमारा यहाँ पर देखिए एकदम से पूरा हो गया, आप देख सकते हैं। और इस वाली साइड भी देखिए इसको हम अटैच कर लेंगे। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसको जो फिटिंग वाली साइड है वहाँ से इसको अटैच करना शुरू करना है, ये देखिए। और इसके बाद देखिए यहाँ से इसको अच्छे से पक्का करते हुए यहाँ पर एक स्टिच और लगाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसमें डबल स्टिच लगानी है। दूसरी वाली साइड भी देखिए स्टिच हम यहाँ पर लगा देंगे। तो अभी देख सकते हैं गाइस नेक हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। अभी क्या करना है ये देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें हम कमर पट्टी है वो अटैच कर देंगे जो कि दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ जो नेक में डिज़ाइन है इसको हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इसमें एक हम एक कपड़ा अटैच करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आप चाहो तो कोई बटन्स भी लगा सकते हो जिन्हें आप यहाँ पर आई बना सकते हो, जैसे आप ओपन भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको यहाँ से पूरा पैक करूँगी। तो इसके लिए देखिए मैंने एक पट्टी कट की है अस्तर वाले कपड़े की, और इसको हम देखिए तीनों साइड से इसमें स्टिच लगा के इसको यहाँ से पहले तो देखिए इस तरीके से करेंगे। जितना कपड़ा हमें यहाँ पर चाहिए उतना ही रखेंगे, देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा इसको यहाँ से हम कट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करते हुए यहाँ पर देखिए ऐसे हमें एक पट्टी है वो तैयार कर लेनी है इस तरीके से। और अभी इस वाली साइड भी देखिए स्टिच लगा के मैंने इसको कंप्लीट यहाँ से कर लिया है ताकि इसमें यहाँ से धागे वगैरह ना निकले। तो इस पट्टी को देखिए यहाँ पर रखते हुए हमें अटैच करना है। तो इस पट्टी को देखिए इस तरीके से इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पर इसमें हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो पहले देखिए इस तरीके से पट्टी को हमें रखना है और एक साइड में ऐसे स्टिच लगानी है, और यहाँ पर हमें 2 से 3 स्टिच लगा के इसको अच्छे से पक्का कर लेना है, इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और अभी दूसरी वाली साइड को भी देखिए ऐसे यहाँ पर रखेंगे हम और यहाँ पर सिलाई लगा के इसको भी यहाँ से हम पक्का करेंगे। और ऐसे सिलाई लगाने के बाद देखिए हम एक सिलाई यहाँ पर इस तरीके से भी लगाएंगे, देखिए ऐसे करते हुए हल्की सी देखिए इस तरीके से यहाँ से भी आप पक्का कर दें, क्योंकि इसको पहनने के बाद यहाँ पर देखिए इसमें खिंचाव आता है तो यहाँ पर ये सिलाई जो है ये खुलने का वो रहता है। तो आप इसमें अच्छे से सिलाई लगा के इसको ज़रूर से पक्का करें यहाँ पर। अभी देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर सिंपली हमें स्लीव्स है उसको अटैच कर लेना है। और ये देखिए गाइस स्लीव्स डिज़ाइन का अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाली वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन मैंने आपको यहाँ पर बनाना बताया है एकदम इजी तरीके से और एकदम फिनिशिंग के साथ। तो सिंपली यहाँ पर देखिए हम इसमें स्लीव्स अटैच कर लेंगे, और देखिए मैंने यहाँ पर इसमें फिटिंग भी लगा दी है जो कि शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ही कंप्लीट ब्लाउज स्टिच करना आपको बताया है, आप वाली वीडियो देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए इस डिज़ाइन को कम्प्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बो बनाया है, तो इसको यहाँ पर हम अटैच करेंगे। आप चाहो तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर भी इसको अटैच कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं इसको देखिए यहाँ पर
नीचे की ओर यहाँ पर अटैच करूँगी और ऊपर की तरफ इसमें मैं इस तरीके से मैंने फैब्रिक बटन्स लिए हैं, इसको यहाँ पर अटैच करूँगी। तो इसे देखिए हमारा जो नेक है वो कितना खूबसूरत लग रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा नेक यहाँ पर रेडी हुआ है। तो आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आपने इस ब्लाउज़ की कटिंग की